मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को हिमाचल प्रदेश अध्यापक संघ के सदस्यों ने राज्य समन्वयक कमल राणा के नेतृत्व में 7,70,770 रूपये का चेक मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए भेंट किया। साथ ही अध्यापक संघ ने पेंशनर संबंधी मांग को लेकर भी मुख्यमंत्री से बात की। वहीं हमीरपुर में हिमाचल प्रदेश अध्यापक संघ के पदाधिकारी दिनेश ठाकुर ने बताया कि हिमाचल प्रदेश अध्यापक संघ ने शिमला में मुख्यमंत्री से भेंट की और मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए 7,70,770 रूपये का चेक वितरित किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के साथ हुई बैठक के दौरान शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज और पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर भी मौजूद रहे। उस मौके पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के समक्ष संघ ने पेंशन को लेकर आ रही समस्याओं को भी रखा और संघ की अन्य मांगों से उन्हें अवगत करवाया। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने उन्हें आश्वासन दिया है कि जल्द ही उनकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। और मोहनलाल रविंदर जी, हिमाचल अनुबंध अध्यापक संघ 2003 से पहले नियुक्त प्रदेश संयोजक कमल राणा जी की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी से मिले और उन्हें 7,70,770 रुपये का चेक राहत कोष में भेंट किया और हमने अपनी पेंशन संबंधित मांग सीएम साहब के सामने रखी। सीएम साहब ने हमें प्रपोजल बनाकर विभाग को प्रस्तुत करने के लिए कहा। हमारा 2003 से पहले जो नियुक्त हुए अनुबंध कर्मचारी जेबीटी टीजीटी लेक्चरर डीपी सभी जो 2003 से पहले नियुक्त हुए थे 10-11 साल बाद रेगुलर किए गए। उस कारण हमें 2003 से पहले रेगुलराइजेशन मिली और हम पेंशन से वंचित हुए। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने हमारी फेवर में फैसला दिया कि इन्हें प्रथम नियुक्ति से सारे लाभ दिए जाएं और पिछले 2 साल से पूनम बनाम हमारा सुरेंद्र नायक जो केस सुप्रीम कोर्ट से हमारी फेवर में आया है उसको मनाने के लिए भी हमने सीएम साहब से अपनी मांग रखी। और मुझे आश्वासन हमारे जो प्रतिनिधि मंडल मिला उन्हें आश्वासन दिया गया कि इसे विभाग से प्रपोजल तैयार कर शीघ्र अतिशीघ्र इसके ऊपर विचार किया जाएगा।